प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ सुखी खबर जनपद गाजीपुर से आ रही है बड़ी खबर है जहां पर सिविल लाइन बिछाने में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। गाजीपुर में पिछले करीब 2 सालों से सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है। जल निगम इस कार्य को गाजियाबाद की एक कंपनी के माध्यम से करवा रहा है, पर सीवर लाइन के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। जहां घटिया सीवर लाइनें बिछाई जा रही है, वहीं तय सीमा में ये काम पूरा होता भी नहीं नजर आ रहा है। जून 2021 में सीवर का कार्य पूरा किया जाना है, पर अभी तक एसटीपी की जमीन तक निर्धारित नहीं की जा सकी है। सीवर निर्माण के लिए अभी तक जहां भी पाइपलाइन डाली गई है और चैम्बर बताया गया है, वहां निर्माण में जमकर अनियमितता की जा रही है और जिसकी शिकायत शहर के लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से की, पर निर्माण कार्य में अनियमितता लगातार जारी है। गाजीपुर शहर में सीवर लाइन का काम 2 फेज में होना है। संवाददाता देवव्रत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इसका हाँ जी का 5 एक का तो 5 एक क्या है इसमें हुँ? 5 क्या है इसमें? 5 सीमेंट है, 5 गिट्टी है, 5 बालू, क्या मतलब इसमें? 5 है बालू, 5 गिट्टी और ये पूरी सीमेंट, एक और सीमेंट। हाँ। तो सीमेंट कौन सी कंपनी का आपने लगाया है? अब ये नहीं है मालूम, ये रखा है कट्टा। विजय कुमार जायसवाल। विजय जी, जो आपके पीछे जल निगम विभाग से काम हो रहा है, चेम्बर बन रहे हैं, इसके बारे में क्या बताएं, कितना अच्छा काम हो रहा है? काम ये लोग मिट्टी निकाल कर जो चेम्बर बन रहा है उसको, वो मसाला जो है उसमें इसी का पानी वो लोग डाले थे, और हमने जब देखा और मैं बोला कि ये पानी डालना ठीक नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि हमारी, हम पानी कहाँ से लेकर आए, पानी हमें कोई दे ही नहीं रहा है। और तो मैं पानी जो ये काम हो रहे हैं उससे कितने आप लोग संतुष्ट हैं? ईंट है, बालू है, जो भी इसमें जो भी मटेरियल लग रहे हैं उससे कितना आप लोग संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट इससे नहीं है। तो क्षेत्र के लोगों का क्या इसमें आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका? हाँ, विरोध कर रहे हैं, एकदम विरोध कर रहे हैं। मानक विहीन काम हो रहा है। संदीप कुमार गुप्ता। संदीप जी, क्या बताएंगे, जो आपके चेम्बर का काम हो रहा है कितना अच्छा हो रहा है? पहले तो एकदम घटिया किस्म का काम हो रहा है। 2 साल से लगभग हम लोग पूरे रास्ते को लेके परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार जेई से हमने बात किया, बस जेई बस केवल ये कह के छोड़ देता है कि हाथ लग जाएगा। करते करते 2 साल बाद हाथ लगा है, फिर काम लगा हुआ है तो अभी गड्ढा खना हुआ है, उसमें पानी निकल रहा है, पानी निकाला जा रहा है, फिर उसमें पानी आ रहा है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है कायदे का। तो ये लोग बता रहे हैं कि पानी, जो गंदा पानी उसी पानी से वही पानी मसाले में पाया गया है, तो भैया ने विरोध किया इसका। तो ईट और सीमेंट के बारे में क्या बताएं, कैसा ये हो रहा है इसका निर्माण? ईट और सीमेंट तो वहां से जो पिछले बनते हुए आया है मंदिर के पास से, वहां लोग बता रहे थे कि एकदम मानक विहीन है। आपके देखने में क्या लग रहा है? अब क्या बताया जाए, देखने में क्या लग रहा है, बनेगा तो फिर सामने ही आ जाएगा सब। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए